नमस्ते बच्चों, आप सबको सातवीं कक्षा की हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने कौन सा पद्य पढ़ा था बच्चों? बोल उठी बिटिया। इसके बाद हम आज दूसरा पार्ट देखेंगे। अच्छा बच्चों, पार्ट के ओर बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक घर में एक फादर और सन रहते थे। फादर सन रहते थे। एक दिन क्या हुआ बच्चा, उसके फादर ने बेटे सन को बेटे को बुलाकर एक लकड़ी दी। एक लकड़ी देने के लकड़ी को तोड़ने बोले। बेटे ने बाप के बोलने से उनके फादर बोलने से वो लकड़ी को तोड़ डाला। फिर क्या करे, उनके पापा ने उनको उस बेटे को अभी दो लकड़ियाँ दिए। उसने क्या किया बच्चों, वो दो लकड़ियों को भी तोड़ डाला। ऐसे ही तीन लकड़ियाँ दिए तो भी बेटा क्या किया, वो लकड़ियाँ तोड़ डाला। बाद में उनके फादर ने उसे एक पांच छह लकड़ियाँ दी। तब बेटा उन लकड़ियों को तोड़ ना पाया। क्या समझ रहे हैं ना बच्चों, पहले एक लकड़ी दी बच्चे ने, क्या किया बेटे ने, तोड़ डाला। दो लकड़ियाँ दिए तो भी तोड़ डाला। तीन लकड़ियाँ दिए तो भी बेटे ने क्या किया, उसको तोड़ डाला। मगर कब उनके फादर ने पांच छह लकड़ियाँ दी, तब बेटे को वो लकड़ियाँ तोड़ने नहीं आए, क्योंकि वो एक से ज़्यादा लकड़ियाँ थे, एक से अधिक लकड़ियाँ थे, इसलिए बेटे को वो तोड़ने नहीं आए। इसका अर्थ है बच्चों, एकता में बल है। इसका अर्थ है एकता में बल है। एक काम करने में एक से अधिक लोग उसमें हाथ बटाए तो वो काम जल्दी हो जाता है, इसलिए एक से बल है बहुत। इसका अर्थ है बच्चों, एकता में बल है। अच्छा बच्चों, आज हम इस क्लास में अकल चली बला टली इस पाठ को पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? अकल चली बला टली। अकल चली बला टली इसका अर्थ है बच्चों, देखो कोई भी मुश्किल आए तो उसे अपने सूझबूझ से आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसका अर्थ है बच्चों, हमारे बुद्धि से, हमारे सूझबूझ से कौन सा भी मुश्किल हो, कौन सी भी प्रॉब्लम हो, हमारे सूझबूझ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसे हल कर सकता है, इसका अर्थ है। अच्छा बच्चों, अब देखो, जंगल में पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। एक जंगल था बच्चों, उसमें एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। जो पेड़ था ना बच्चों जंगल में, उस पर बहुत से कबूतर। कबूतर इसका अर्थ है बच्चों, पिजन। कबूतर इसका अर्थ है पिजन। ओ कबूतर है ना बच्चों,
वो पीपल के पेड़ में आराम करते थे, उस पर अपना घर बना लिए थे। कबूतर दिन भर भोजन के खोज में घूमते रहते थे। कबूतर क्या करते थे बच्चों? दिन भर भोजन के खोज में जाते थे। खोजना इसका अर्थ है बच्चों ढूंढना। खोजना इसका अर्थ है ढूंढना। अच्छा बच्चों, कबूतर क्या करते थे? उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन के खोज में घूमते रहते थे। सभी को भोजन होना ना बच्चों, हमें भी भोजन होना चाहिए। इसलिए देखो बच्चों, हमारे घर में हमें मम्मी पापा तुम्हारे घर में कुक करके देते हैं, लेकिन प्राणी पक्षियों को अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। इसलिए कबूतर क्या करते थे बच्चों? दिन भर भोजन के खोज में घूमते रहते थे। उस भोजन क्या है ना? खाना। खाने के लिए उन्हों क्या कबूतर क्या करते थे? यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। रात होने पर क्या करते थे बच्चों? वो भोजन के खोज होने के बाद शाम तक, रात तक वे फिर वही पीपल के पेड़ पर लौट आते थे और रात भर आराम करते थे। समझे ना बच्चों? वे रात भर पीपल के पेड़ पर आराम करते थे। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन के खोज में गए। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं, धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। एक दिन क्या होता है बच्चों? वे फिर भोजन के खोज में चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर क्या होता है बच्चों? एक छोटा कबूतर बोला कि वहाँ देखो कितने दाने बिखरे पड़े हैं, धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। रोज भी क्या करते थे बच्चों? वो भोजन के खोज में जाते थे ना, वहाँ पर क्या हुआ था? एक दिन बहुत सारे दाने बिखरे पड़े थे। बिखरे पड़ना यानी जमीन पर इधर उधर बिखरे रहना। अच्छा बच्चों, कबूतर उधर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। क्या हुआ बच्चों? एक दिन छोटा कबूतर ने बोला कि देखो वहाँ पर कितने सारे दाने बिखरे पड़े हैं। कहने पर कबूतरों ने उधर देखा। देखकर उन्होंने धीरे धीरे धरती पर उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। देखो बच्चों, छोटा कबूतर ने बोला कि वहाँ देखो कितने सारे दाने बिखरे पड़े हैं, कितने सारे दाने बिखरे पड़े हैं। सारे कबूतर क्या करे बच्चों? क्या किया कबूतरों ने? उस तरफ देखा, धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगे। किसके तरफ? दाने के तरफ बढ़ने लगे। तभी एक वो कबूतरों में एक छोटा कबूतर क्या बोला, दाने बिखरे पड़े हैं। उसी में एक बूढ़ा कबूतर ने बोला कि ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। देखो गांव में रहे तो लोग क्या करते हैं? वहाँ यहाँ फेंकते हैं। ये तो जंगल है, इस जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आ सकते हैं, ज़रा ठहरो, अभी मत उतरो, ये कहकर बोलने लगा। कौन बोला बच्चों? बूढ़ा कबूतर बोला। बूढ़ा कबूतर क्या बोला बच्चों? ये जंगल है, इस जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आएंगे, ज़रा सोचो, ये कहकर उनको
उतरने पर मना कर दिया। एक दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आए हो, आओ हम सब मिलकर दाना खाए। पहला क्या बोलता है बच्चों? छोटा कबूतर, देखो जंगल में इतने सारे दाने बिखरे पड़े हैं। इसके बाद क्या करते हैं? सारे कबूतर उसके तरफ बढ़ते हैं। फिर उसमें एक बूढ़ा कबूतर बोलता है, बच्चों नहीं नहीं यही जंगल है, जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आएंगे। उसी समय एक और कबूतर बोलता है कि कहीं से भी आए हो, आओ हम सब मिलकर दाना खाए। अब एक कबूतर क्या बोलता है बच्चों? कहीं से भी आए हो, हमें उससे क्या भी लेना देना नहीं है, हम सब क्या करते हैं, मिलजुल कर वो दाने को खाते हैं कहकर बोलने लगा। कबूतर धरती पर उतरने लगे पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। कबूतर दाने चुगने लगे, वह दूर से ही देखता रहा। कबूतर ने पेट भर दाना खाया, अब वे उड़ना चाहते थे पर उड़ ना सके, वे जाल में फंस गए थे। कबूतर धरती पर उतरे और उतरने लगे, बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं उतरा। कबूतर दाने चुगने लगे, वह दूर से ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट भर दाना खाया। देखो बच्चों, कबूतर ने क्या किया? बूढ़ा कबूतर का बात नहीं सुना, धरती पर उतर गए और पेट भर दाना खा लिया। अब वे उड़ना चाहते थे पर वो उड़ ना सके, पेट भर खाना खा लिया। फिर वो क्या सोचे बच्चों? कबूतरों अब उड़ना चाहते थे लेकिन वो उड़ ना सके, वे जाल में फंस गए थे। जाल, इसका अर्थ है बच्चों नेट। प्राणियों को, पक्षियों को पकड़ते हैं ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। ये कबूतर किस में फंस गए थे? जाल में फंस गए थे। तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा, उधर देखो कोई आ रहा है, अरे वह तो बहेलिया है, वह हमें पकड़ने आ रहा है। कबूतरों ने क्या किया था बच्चों? पेट भर दाने खा लिए थे, अब वे उड़ना चाहते थे, मगर क्या हुआ, वो जाल में फंस गए थे। इतने में ही एक और कबूतर चिल्लाकर बोलने लगा कि उधर देखो कोई आ रहा है, अरे वह तो बहेलिया है, वह हमें पकड़ने आ रहा है। बहेलिया, इसका अर्थ है बच्चों चिड़िया पकड़ने वाला। बहेलिया इसका अर्थ है चिड़ीमार। चिड़ीमार बोले तो पक्षियों को पकड़ने वाला। तभी एक पक्षियों को पकड़ने वाला वहाँ जाल बिछाया था, उस जाल में क्या दाने बिखराए थे और उसी जाल में ये सारे कबूतर फंस गए। फंसने के बाद एक कबूतर बोला, देखो वहाँ बहेलिया आ रहा है, हमें अब वो पकड़ लेगा। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। बहेलियों को देखकर कबूतरों ने क्या किया था बच्चों? कबूतर घबरा गए थे, अब हमें वो चिड़ीमार यानी बहेलिया पकड़ेगा, अब हम क्या करेंगे। उसी समय एक बूढ़ा कबूतर ने बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ
जाल को लेकर उड़ चलो, ऐसे बोला। ऐसे बोलने से सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों, कैसे दाने बिखरने पर कबूतर आके दाने पेट भर खा लिए, और यहाँ पर देखो खाने से बूढ़ा कबूतर ने एक उपाय सोचा। क्या बोला? अब सब जोर लगाकर जाल के समय उड़ जाओ। यहाँ पर चित्र देख रहे हैं ना बच्चों। अच्छा, इसके बाद सभी कबूतर मिलकर जोर लगाए, जाल कुछ ऊंचा उठा। कबूतर ने और जोर लगाया, जाल और ऊंचा उठ गया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था, सब कबूतर उसके पीछे उड़ने लगे। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया, जाल जरा कुछ ऊंचा उठा, और जोर लगाने से वो ऊंचा उठ गया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर क्या किया बच्चों? आगे आगे चलने लगा, उसके पीछे ये पूरे कबूतर जाल के समेत उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। बूढ़ा कबूतर क्या किया बच्चों? जाल के समेत उन सभी कबूतरों को बहुत दूर ले गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उसने क्या किया? एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वह बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ, यही एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह हमारी मदद करेगा। बूढ़ा कबूतर बोला, बच्चों उनको एक इशारा दिखाया, इशारा दिखाने पर उस पेड़ के नीचे आप चले जाओ, वहाँ एक चूहा रहता है। चूहा इसका अर्थ है रैट। वो मेरा मित्र है, वो हमारा मदद करेगा। मदद इसका अर्थ है बच्चों हेल्प। वो चूहा क्या करेगा? हमारा मदद करेगा, क्योंकि वो चूहा बूढ़ा कबूतर का मित्र था। बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। कबूतर ने क्या किया? एक पेड़ के नीचे उन सभी कबूतरों को छोड़कर उसने क्या किया? अपने मित्र चूहे को बुला लाया। चूहे ने जाल काट दिया, कबूतर जाल में से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया। चूहे ने कबूतर क्या किया बच्चों? अपने मित्र चूहे को, बूढ़ा कबूतर अपने मित्र चूहे को बुला लाया, और चूहा आकर जाल को काट डाला, और सभी पंछी क्या हो गए? आज़ाद हो गए। आज़ाद होने पर चूहे को सभी कबूतरों ने धन्यवाद किया। यहाँ देख रहे हैं ना बच्चों, कैसे चूहा जाल को काट रहा है। जाल काटने से पंछियाँ यहाँ पे आज़ाद हो गए हैं, इस चित्र में देखो। अच्छा बच्चों, उन्होंने चूहे को धन्यवाद किया और उड़ गए। कबूतरों के दाने के खाने के लोभ में जाल में फंसना, मिलकर जाल को ही उठाकर उड़ना, और चूहे की मदद से जाल को काटना, इस पाठ में हम देखते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें एकता से लाभ की सीख मिलती है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें अपने सूझबूझ से क्या करना चाहिए? उसका हल निकालना चाहिए। एकता में बल है। एक से दो जने हम मिलकर क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों? मुश्किल को हल कर सकते हैं।
पीपल का पेड़ कहाँ था बच्चों? पीपल का पेड़ जंगल में था। कबूतर दिन भर क्यों घूमते थे? कबूतर दिन भर अपने भोजन के खोज में घूमते थे। वे रात भर कहाँ आराम करते थे बच्चों? वे रात भर पीपल के पेड़ पर आराम करते थे। कबूतरों को धरती पर क्या दिखाई पड़े? कबूतरों को धरती पर बहुत से दाने बिखरे दिखाई पड़े। जाल किसने बिछाया था बच्चों? जाल बहेलिया ने बिछाया था। बहेलिया यानी चिड़ी मार ने बिछाया था। क्या बूढ़ा कबूतर भी जाल में फंस गया? वह नहीं फंसा। बूढ़ा कबूतर का मित्र कौन था? बूढ़ा कबूतर का मित्र चूहा था। कबूतर की मदद कौन किसने की? कबूतर की मदद चूहे ने की। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।